कि समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ और अपने आजम खान को निकलवाओ। और 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है। हमारे यहाँ जो है वो साइकिल का क्रेज है, साइकिल को ही वोट जारी जाता है। इनका बहुना सीमा लेगी, वो देश का सीमा लग। जब भाजपा की सरकार आई तो चोर के हाथ में चाबी चली गई, चोरी होगी नहीं। जब यही दंगाई थे, इन्हीं के हाथ में चाबी चली गई, दंगे होंगे क्यों? 100% यहाँ साइकिल की वोट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होने वाला है और 10 फरवरी से पहला चरण होगा। और हम मैं उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा के सराव गांव में हूं। ये सराव गांव है जो धौलाना विधानसभा का अंतिम गाँव है, इसके बाद मेरठ विधानसभा शुरू होता है, मेरठ होता है ना। अब सराव गांव में आया हूं और देखना ये है कि जनता किसको तय करती है इस बार, किसको अपना विधायक चुनती है, क्योंकि यहाँ से असलम चौधरी मौजूदा विधायक हैं। बीएसपी भी अपना ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है और एमआईएम भी चुनावी रण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आई है। तो देखना यह है कि जैसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य गांव है ये, शायद मुस्लिम गांव है ना। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमान अपनी कयादत चुने, सपा का कहना है कि यादव और मुस्लिम और जाट सब एक साथ इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। तो हम बात करेंगे कि ये लोग किसको हराना चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है तो किसकी लहर है इस बार? समाजवादी। समाजवादी पार्टी की लहर क्यों है, क्या किया है उन्होंने? समाजवादी ने अपनी सरकार में बहुत सारी योजनाएं चलाई थी जो धरातल पर दिखाई दी। अब हमारे बराबर में ये देख लीजिएगा, मेरठ से लेके और दिल्ली तक मात्र 1 घंटे का सफ़र है, ये सब उन्हीं का प्रोजेक्ट है। इधर देख लीजिएगा NH-24 जो अब NH-9 है, वो सब उन्हीं का प्रोजेक्ट है। सपा का प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक उद्घाटन भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज बनाने का कार्य किसी ने किया तो सपा ने किया। किसी भी एक्सप्रेसवे को तैयार करने में मैं समझता हूँ 5 से 7 साल का समय लगता है और 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बताइए कि किसका प्रोजेक्ट होगा और किसने काम किया होगा? तो 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो अखिलेश की सरकार इसका मतलब था कि काम नहीं किए तभी तो बदली? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। युवा हैं वो और आगे भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आपके पास आऊँगा एक बार और। अब आपसे लेता हूँ सवाल, जैसे असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कब तक मुसलमान किसी के पीछे भागेंगे, दरी बिछाएंगे और कब तक मतलब उनका शोषण होगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला बन जावे और 4 महीने को अल्लाह के रास्ते में निकल जावे। नमाज सीखे पहले, अल्लाह का हुक्म पूरा करे, बाकी बात का मामला सारा। तो लेकिन राजनीतिक भागीदारी भी तो जरूरी है ना? राजनीतिक भागीदारी तो हमारी यू है, जहाँ हम बैठ जाएंगे, हम तो राजनेता खुद हैं, हम तो खुद गांव के प्रधान हैं। तो इस बार किसको प्रधान है तो आप बताइए, किस हमारे बना, जिसको हमने वोट दी वही बन गया। तो अब विधायक किसको बना रहे हैं? विधायक तो देखो बात ऐसी है, हमारे यहाँ जो वोट मिलेंगी वो ज़्यादातर असलम चौधरी को मिलेंगी। असलम चौधरी को क्यों मिलेगी? क्योंकि असलम चौधरी के बारे में कई जगह असलम चौधरी को इसलिए वोट मिलनी है हमारे यहाँ से कि असलम चौधरी पूर्व जो है विधायक भी हैं और मौजूदा हालत में भी विधायक हैं। अच्छा, और बात एक ये है कि वो जो है दुख सुख में, खुशी में, गम में हर के साथ मिलने जुल के चलने वाले हैं, इसलिए हमारे गांव के हर लोग को पसंद है असलम चौधरी। असलम चौधरी को आप बोल रहे हैं कि दुख सुख में मिलते हैं, कई जगह कई गांव में हम गए तो कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने देखा ही नहीं उनका शक्ल कि कैसे हैं। और पहली बार तो पार्टी बदल के अब उनकी उन लोगों की समझ जो है वो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो साइकिल का क्रेज है, साइकिल को ही वोट जाएगी ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश में चाचा बोल रहे हैं साइकिल का क्रेज है, ये भी बोल रहे हैं साइकिल यानी सपा, आपका क्या है? जी साइकिल ही है, हमारे यहाँ पर तो साइकिल की सुनवाई है, चाहे असलम चौधरी आओ, चाहे कोई भी आओ, धर्मेश तोमर आओ, कोई भी आओ, साइकिल पे सबकी साइकिल है यहाँ पे। यूँ नहीं है कि असलम चौधरी के लिए साइकिल को वोट दे रहे हैं, नहीं, ये सब कोई भी विधायक आएगा चुनाव से साइकिल से, वो असलम उसे ही वोट मिलेगी। तो साइकिल की दीवानगी इतनी क्यों है? जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुए, विकास हुआ है, हाईवे बन गए, लोगों को राशन मिल रहा है फ्री का, तमाम सबसे बड़े नेता जो हमारे आजम खान हैं वो समाजवादी में शुरू से रहे, जब तक वो रहे जब तक मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं आई, अब ये जेल में डाल दिए गए हैं, दिक्कत तो नू बढ़ गई, सरकार आई है दूसरी, उन्होंने जेल में डाल दिए हैं, तो हम मुसलमानों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई। जब दिक्कत आई है तो अब मुसलमानों ने ये संगठन करा है कि समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ और अपने आजम खान को निकलवाओ। समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ, अपने आजम खान को निकलवाओ, ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी को। हाँ,
समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ और आजम खान को निकलवाओ, भाजपा का रही समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ और दंगा कराओ। दोबारा क्वेश्चन, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को दोबारा लाओ और आजम खान को बाहर निकालो, लेकिन भाजपा का नारा है कि समाजवादी पार्टी अगर दोबारा आई तो भाजपाई मतलब दंगा हो जाएंगे। मैं एक चीज़ बता दूं भाई साहब आपसे, देखो एक चरवाहा था, चरवाहा वो अपनी बकरियां चराता था तो रोज उसकी एक बकरी चोरी हो जाती। जब उसकी बकरी चोरी हो जाती, अब उसने सोचा यार बकरी कैसे चोरी हो रही है, तो जो आदमी उसकी बकरी चोरी करता था उसने क्या काम करा, उसी को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। हाँ आइए आइए, मोस्ट वेलकम। जब उन्होंने उसको नौकरी पर रख लिया जो बकरी चुराता था, तो उसके हाथ में चाबी दे दी। मेरी बात सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब उनकी बकरी चोरी होनी बंद हो गई, अब यही भाजपा का मामला है, जब भाजपा की सरकार आई तो चोर के हाथ में चाबी चली गई, चोरी होगी नहीं। जब यही दंगाई थे, इन्हीं के हाथ में चाबी चली गई, दंगे होंगे क्यों? खैर यहाँ पे जो धौलाना विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं MIM के, आरिफ चौधरी भी आए थे और इनसे बातचीत भी किया, तो अब फिर एक बार और बातचीत करेंगे कि उनके बातों से इन पे क्या असर पड़ा है। आरिफ चौधरी आए आप लोगों के साथ, बड़ा लंबा गुफ्तगु किया, बातचीत की, क्या आती भैया ना सुनाई आती ना, ऐसी तो मैं सुनता ही ना, मैं तो अपने काम की बात सुनूं। तो काम की बात कुछ नहीं था उसमें ना, इसमें सारा काम की बात बोला उन्होंने कि मुसलमानों की क्यादत की बात कहा, मुसलमानों को रोजी देने के रोजगार, मुसलमान वो खुद ही ना मुसलमान ना है, हाजी लगाते हैं, हाजी आरिफ अली नाम, हाजी हाजी है सब। तो मुसलमान कौन है असदुद्दीन वैसी? जो पक्का सच्चा ईमान वाला वो है ना मुसलमान, यहाँ तो मुसलमान ही ना। तो ईमान वाले वैसी साहब बोलते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, पांच वक्त की नमाज पढ़ते, गाड़ी चलते, सब ईमान वाले हैं। मेरी बात सुनो, कहने को सब ईमान वाले हैं, लेकिन ऐसा है, मेरी बात सुनो, वोट यहाँ से सरावे से तो समाजवादी पार्टी की है यहाँ। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं अभी, जस्ट ये कुछ भी कहते हो, ये कुछ कहते रहो, कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल 100 की 100% यहाँ साइकिल की वोट है, साइकिल की वोट है। खैर थोड़ा युवाओं की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि सारे के सारे गाते रहो बजाते रहो, सुनेंगे सबकी, चलेगी साइकिल पे ही, चलेगी साइकिल, पतंग नहीं, नहीं नहीं पतंग ना कुछ भी ना। अरे योगी आइए, अच्छा योगी, योगी जी के बारे में बताइए, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी बढ़िया करता है, योगी को जिताते, योगी को तो हरा ही रहे हैं, योगी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, 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 कैसी बात कर रहे हैं आप, राशन दे रहे हैं फ्री का, सब कुछ दे रहे हैं, राशन जो खा रहे हूँ, हमारा माल इकट्ठा हुआ, हमारा माल इकट्ठा हुआ, हमें मिल रहा फ्री का वैक्सीन मिला, गवर्नमेंट ने टैक्स कितना, टैक्स कितना दे रही है पब्लिक, टैक्स कितना दे रही है, टैक्स दे रही है कितना, कौन ना दे रही है टैक्स, हर चीज का डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टैक्स, जो गाड़ियों का रोड टैक्स अलग है, टोल टैक्स अलग है, हर चीज का अलग, छह छह टैक्स है एक गाड़ी पे, तो मतलब कहाँ जा पैसा, आपके कहने का मतलब सरकार जो टैक्स लेती है वो रिटर्न करती है, नहीं सब दे रही, उसे भी आधा ना दे रही, सब खा रहे हैं, अच्छा वो भी खा रहे हैं, हाँ उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा। सबसे ईमानदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बाकी को छोड़ दीजिए, तुम्हारी निगमा होगी जी, तुम्हारी निगमा होगी, क्यों ऐसे बात, नहीं 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 हमारी निगमा नहीं है, मोदी और योगी जी की एकदम देश को समर्पित, जनता को समर्पित काम, ना ना हमारे लिए नहीं है, कुल मिलाकर ये किसी को, मेरे पास किसी को गुलाब पाचा के बच्चे, जिनका बहुना संभाली गई वो देश का संभाल लेंगे, बहुना संभाली गई, बहु तो संभाल रहे ना, हाँ संभाल ले बहु को, उनके बहु ही ना बहुना है, अच्छा क्या एक एक कमेंट आप लोग से, आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी हवा है, अरे BDC साहब इधर आइए, सपा की क्यों, सपा ने अच्छा काम किया है, कोई गलत काम कौन सा, युवाओं को दंगाई बना दिया, जेलों में डलवा दिया, जब तो काम चलता है, दंगा बनाने से, लड़ने लड़ाने से जब तो काम चलता है, युवाओं का काम क्या है, अच्छा क्या है, क्या काम है, लड़ना लड़ना लड़ाना, रोजी रोजगार, रोजी रोजगार तो चलते ही रहेंगे, जो खुदा ने लिख दे वही मिलेगा, अच्छा लेकिन सरकारें भी कुछ लिखती है ना, सरकारें कुछ नहीं करेंगी, सरकारों में करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा खुदा के करने से होगा, किसकी हवा है, हवा तो इस वक्त की है, क्या नाम है, सपा की, MIM की नहीं, सपा की है, BJP की नहीं, BJP की कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री, उसके बाद आप देख लीजिए अमित शाह, नहीं 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 अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी हमारे हमदर्द हैं, अखिलेश जी दंगाइयों के आदमी हैं, दंगा नहीं करते, वो उन पे इल्जाम लगाते हैं, उन पे कोई दंगा नहीं करते, कोई दंगा नहीं करते, मुजफ्फरनगर किसके टाइम में हुआ था, वो तो टाइम पे तो हुआ, उनके टाइम में दंगा हुआ है, लेकिन वो ना होते तो बहुत दंगा होता, वो ना होते बहुत होता, बहुत होता, और वैसी जी बोलते हैं, BJP बोलती है कि वही ना, कुछ भी बोले जाओ,
अच्छा, अभी डीसी साहब से हम बात करते हैं यार, ये क्योंकि इनके हाथ में, आपके हाथ में गांव का ना भविष्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में आप किसके साथ हैं? साइकिल। साइकिल, बड़ी मायूसी के साथ साइकिल बोल रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ और लग रहा है। साइकिल के साथ है। साइकिल के साथ है। साइकिल से इतनी मोहब्बत क्यों है? अच्छे काम है, अच्छे काम करती है साइकिल। अच्छे काम है, चलने में ताकत देती है साइकिल, वर्जिश साइकिल, फिटनेस रहती है साइकिल चलाने से। साइकिल के बारे में कहा जा रहा है कि पंचर भी हो है, है? साइकिल पंचर है, पंचर पे भी खींच लेते हैं, पंचर पे भी खींच लेते हैं, तो मतलब पंचर पे भी खींच। अच्छा, एक और हमारे साथ प्रतिनिधि है, इधर है, क्या है आप, मेंबर है जी? मौजूदा मेंबर। मौजूदा मेंबर है जी। मेंबर है तो गाँव की पॉलिटिक्स तो अच्छे से समझते होंगे आप जी। तो किसकी हवा है गाँव में इस बार? साइकिल की हवा है। अभी जस्ट आपके यहाँ आरिफ चौधरी, आरिफ अली आए थे जी, MIM के हैं जी। वो भी मान सम्मान तो सबका करना चाहिए, मुसलमान है। अच्छा, तो सबका मान सम्मान, वो वैसी साहब का भी मान सम्मान कर लो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, क्यों? अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। अच्छा दोस्त जी, सर आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 11th में। लैपटॉप की बात हुई थी, सरकार का ये घोषणा था कि जैसे 11th में लड़के आएंगे तो लैपटॉप दिए जाएंगे, मिला है? कुछ भी ना मिला जी, मोबाइल भी ना मिला। मोबाइल भी मिला है? मोबाइल भी चला रहे हैं यू कपटला। योगी जी तो शुरू में उनका जो मैनिफेस्टो जारी होता है तो उसमें कहा था कि आप 35 पेज नंबर है उनका मैनिफेस्टो का, उसमें देखोगे लैपटॉप और 1 GB डाटा। कुछ भी ना है जी, कुछ भी ना है, हाथे पैर और बंद कर दिए, छुट्टी तो और पड़ा। किसकी युवा किसके तरफ है इस बार, युवा किसकी पर... भैया जी अखिलेश को देंगे जी वोट, भैया जी अखिलेश को, भैया जी अखिलेश को, अखिलेश को क्यों यार, हैं भैया जी को, भैया जी हमारे, अब की बार जी बिल्कुल अखिलेश की सरकार चलेगी, अखिलेश की सरकार बिल्कुल चलेगी। लेकिन अखिलेश की सरकार तो इनका कि सपा सफाई है, सपा कैसे हो जाएगी जब हम अपने साथ हैं अखिलेश के, सपा तो होने न दे रहे के। क्यों योगी जी पसंद नहीं है? साफ सुथरी है, जब तो वोट मिलनी है। साफ सुथरी है सपा सरकार, सबसे बढ़िया पढ़ाई में आ गए, पढ़ाई में सबसे बच्चों को सबसे आगे लेकर चलती। अच्छा, है सपा में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को रिक्शा दिया जाएगा, तो कितने लोग इस रिक्शे से सहमत हैं? किससे कैसे मतलब रिपीट करना जरा। सपा कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए हम रिक्शा का व्यवस्था करेंगे, तो रिक्शा चलाना है। दिया जाएगा विक्रांतों को, कैसे को दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा, तो सब हमें क्यों दिया जाएगा? रिक्शे से कुछ कमाया तो जाएगा, रिक्शा चलाएंगे हम, चलाएंगे हाँ, बेरोजगारी तो सही है, बेरोजगार का तो सही है, मतलब रिक्शा पसंद है हाँ, बेरोजगार का कुछ दिक्कत तो ना रिक्शे से, ना हमें क्या दिक्कत होगा, तो फिर तो रिक्शा चलाना है ना। हाँ बिल्कुल, आप बताइए भाजपा में सबसे बड़े नेता तो राजनाथ जी थे, सबसे बड़े राजनाथ जी थे, लेकिन उनको कोई सपने पीछा कर दिया, ये आजम खां को भी पीछे कर दिया, क्यों कर दिया तुम बताओ? आपको कई कई नेता वापस आएंगे, कहाँ से वापस आएंगे? जेल से, फिर वापस आएंगे, जितने वापस आएंगे, जितने वापस आएंगे बिल्कुल। अच्छा, मतलब जैसे परेशान करेंगे, जैसे इन्होंने परेशान कराया ऐसे परेशान करेंगे ना। लोग भारतीय जनता पार्टी को धमका रहे हैं जी, केंद्र में सरकार है उसकी, नहीं कोई दिक्कत नहीं उससे, धमका तो किसी को नहीं, देखो हम धमका किसी को नहीं रहे, बस जो हमारी जो वोट है वो जाएगी साइकिल को। असलम चौधरी जो विधायक यहाँ के मौजूदा थे, अब भी इंशाल्लाह अगली बार आने में भी रहेंगे। आप किसको देंगे? साइकिल। साइकिल क्यों? साइकिल साइकिल मिलेगी, बीच में घुस जा रहे हैं। खैर, ये धौलाना विधानसभा का सराव गांव है और ये धौलाना विधानसभा का अंतिम गांव है और यहां से आगे बढ़ेंगे तो मेरठ विधानसभा शुरू होगा। यहां कहना है लोगों का कि इस बार तो चलेगी साइकिल ही और सपा की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 3/4 से जीत रहे हैं और उधर कांग्रेस अलग ताल में है, अलग मूड में है। प्रियंका गांधी भी एकदम युवाओं को समेट कर चल रही है, महिलाओं को समेट कर चल रही है, उनका कहना है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में सहनशाह बनेगा, किसके सर पे ताज होगा। तब तक बने रहिए आप, जो भी अपडेट होंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। द कंटाप के लिए धौलाना विधानसभा से प्रफुल्ल।